नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद। उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार कथित माओवादी समर्थकों की 6 सितंबर तक घर पर नजरबंदी का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काठमांडू में कल से शुरू हो रहा 4th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाएगा। और एशियाई खेलों में अरपिंदर सिंह ने पुरुषों के ट्रिपल जंप का और स्वप्ना बर्मन ने महिलाओं के हेप्टाथलॉन का स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अमल में हुई प्रगति की समीक्षा की। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रगति प्रणाली के माध्यम से विचार विमर्श करते हुए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विचार विमर्श के दौरान उन्होंने आयकर से संबंधित शिकायतों के समाधान में प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने फिर कहा कि इस तरह के तमाम प्रणालियों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मानव शक्ति का कम से कम उपयोग होना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई में प्रगति का आकलन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग ने जो विभिन्न पहल की हैं और कदम उठाए हैं, उनके बारे में करदाताओं को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए। श्री मोदी ने रेलवे, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र की 9 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है। नमो ऐप के जरिए आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्चीली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और सरकार के प्रयासों से गरीबी की दर घटी है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी मिटा रहा है। भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली एविएशन मार्केट हो गया है। भारत में जितने लोग आज एयर कंडीशन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उससे ज्यादा लोग हवाई जहाज में सफर करने लगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राफेल विमान सौदे में सरकार की आलोचना करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी झूठ फैलाकर देश को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री गांधी ने दिल्ली, कर्नाटक, रायपुर, हैदराबाद, जयपुर और संसद के भीतर अपनी टिप्पणियों में राफेल विमानों की अलग अलग कीमतें बताईं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां जिलों में विभिन्न आतंकवादी घटनाओं में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक अन्य घटना में शोपियां जिले में आतंकवादियों के हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शोपियां जिले के अरहमा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंटों द्वारा किए गए घातक हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए, जहां वे दोपहर में एक पुलिस वाहन की मरम्मत के लिए गए थे। मिलिटेंटों ने हथियार भी मारे गए पुलिसकर्मियों से छीन लिए। अनंतनाग और कुलगाम क्षेत्रों में स्थानीय प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस गोलों और छर्रों से चोटें आईं। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। उच्चतम न्यायालय ने 5 जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को खारिज करते हुए इन्हें घर में नजरबंद रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वैचारिक असहमति का होना लोकतंत्र के सुरक्षा वाल्व की तरह है। शीर्ष न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि 5 मानवाधिकार कार्यकर्ता वरवरा राव, वर्नोन गोंजाल्वेज, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा जेल नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन उन्हें पुलिस निगरानी में 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखा जाएगा। इन 5ों को पुलिस ने कल देशभर के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का सुरक्षा वॉल्व है और अगर इसे अनुमति नहीं दी गई तो विस्फोट हो सकता है।
न्यायालय ने घटना के 9 महीने बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। पीठ ने अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। न्यायालय ने इस मामले में 5 प्रमुख बुद्धिजीवियों की अपील पर महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किए और 4 सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे दादाजी, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इतनी देर से? बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ गई है ना, उसी का हिसाब किताब लगा रहा हूँ। दादाजी, अब इतने हिसाब किताब की जरूरत नहीं, एक पेज का रिटर्न भरना तो मिनटों की बात है। ये देखो, कंप्यूटर पर ऑनलाइन भर दिया। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आयकर रिटर्न समय पर भरना आपके लिए बेहद फायदेमंद है। रिटर्न समय से फाइल करने से यदि रिफंड है तो उस पर पूरा ब्याज मिलता है। रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो वो टैक्स पेयर्स जिनके अकाउंट्स को ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, 31 अगस्त 2018 से पहले अपनी आयकर रिटर्न फाइल करें और ₹5,000 की लेट फीस से बचें। जल्दी भरिए, आखिरी दिन के रश से बचिए। सर, आपकी उंगलियों को मशीन स्कैन नहीं कर पा रही है। फिर मेरा बैंक खाता वेरीफाई नहीं हो पाएगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके आधार से वेरिफिकेशन आपके आंखों के स्कैन से भी किया जा सकता है। अगर आंखों से भी वेरिफिकेशन ना हो पाए तो आपके मोबाइल पे आए हुए ओटीपी, आधार लेटर या ई आधार की कॉपी लेकर या उससे छपे QR कोड को स्कैन करके उन्हें बैंक खाता वेरीफाई करना होगा। हो गया वेरीफाई, इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 4वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल के खाड़ी क्षेत्र को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और इससे बिम्स्टेक के अंतर्गत हुई प्रगति को अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे क्षेत्रीय सहयोग को और बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के सभी नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल काठमांडू की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। 4वें बिम्स्टेक सम्मेलन का मुख्य विषय है बंगाल की खाड़ी शांति, खुशहाली और स्थायित्व की ओर। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला का भी उद्घाटन करेंगे। काठमांडू पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक के अन्य नेताओं के साथ नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेता राष्ट्रपति भंडारी द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 4वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से अलग श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली के साथ संयुक्त रूप से नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री धर्मशाला परिसर पशुपति क्षेत्र विकास कोष को सौंपेंगे। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने भीड़ द्वारा उग्र हिंसा रोकने के लिए नया कानून बनाने की संभावना पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में बनी वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों और संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों का समूह अब अपनी रिपोर्ट अंतिम फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा। मिजोरम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिजोरम में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आइजोल में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1.5 लाख ऐसे केंद्रों के निर्माण की घोषणा भी की गई। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे करीब 1,10,00,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2018 से लागू होगी। मुद्रा योजना का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में असर दिखाई देने लगा है। महिलाओं में ये काफी लोकप्रिय होती जा रही है और इसका फायदा उठाने को वे आगे आ रही हैं। हमारे पोर्ट ब्लेयर संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस वर्ष जुलाई तक 8,784 लाभार्थियों को सहायता पहुंचाई गई है और उन्हें 261 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। पोर्ट ब्लेयर की फोंगीचोंग की रहने वाली एक लाभार्थी ने बताया कि इस योजना से उसने अपना छोटा कारोबार शुरू किया है जिससे उसे काफी लाभ मिला है।
मेरा नाम प्रभा है और हम पंगी चौ में रहते हैं। ये मुद्रा लोन से मेरे को बहुत सारा बेनिफिट मिला। 50,000 का लोन था मेरा, ये कोऑपरेटिव बैंक से मिला। मेरा हस्बैंड आके प्राइवेट काम करते हैं दुकान में, हम मसाला पैकिंग करते, दुकान दुकान में हम सप्लाई करती है, आगे और भी हम बिजनेस आगे बढ़ाने मांगते। एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि दीपों में पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने एक छोटा जलयान की खरीद की है और धीरे धीरे उनका व्यवसाय रफ्तार पकड़ने लगा है। मेरा नाम गायत्री श्रीनिवास, हम हैडा में रहते हैं। हम 12th तक पढ़े, कुछ करना चाहते हैं हम। मेरा हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट करा। मेरे को एक लोन मिला था, मुद्रा लोन 9,58,000। बोट लिया था, अभी बोट शुरू हो के 5 महीना हो गया। हमको भरोसा है मेरा बोट अच्छा चलेगा। शिशु, किशोर और तरुण तीन श्रेणियों में इस वर्ष अगस्त तक 579 लाभार्थियों को वित्तीय सहयोग दिया गया है। इससे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्टब्लेयर से टीम के साथ मैं राकेश चंदल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर माओवादियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान माओवादियों को भारत के अंदरूनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति से ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो एस्पायरिंग डॉक्टर में, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ फोन लाइन पर शीतल श्रीवास्तव बनारस से जुड़ी हैं। शीतल जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर, मैं MD स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ऑक्सीटोसिन ड्रग के 1 सितंबर से लगने वाले बैन से रिलेटेड है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इसे बैन कैसे किया जा सकता है? देखिए शीतल जी, ये ड्रग बैन नहीं किए गए हैं, बल्कि इसके मिसयूज को रोकने के लिए इसके उत्पादन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब से भारत में डोमेस्टिक यूज के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी KAPL ही इस ड्रग का उत्पादन बार कोड के साथ करेगी और सप्लाई करेगी। ये दवा सभी ऑथराइज्ड केमिस्ट स्टोर पर आसानी से उपलब्ध रहेगी और कोई भी डॉक्टर के पर्चे से ये दवा किसी भी नजदीकी केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया में 18वें एशियाई खेलों के 11वें दिन आज भारत को 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक हासिल हुए। ब्यौरे के साथ खेल डेस्क से हिमांशु कांडपाल। एथलेटिक्स में महिलाओं की हेप्टाथलॉन में भारत की स्वपना बर्मन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार इस स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। सो न्यू चैंपियन बर्मन टेक्स द गोल्ड। पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में अरपिंदर सिंह ने 48 वर्ष बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाया। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में दुती चंद ने रजत पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में मनजीत सिंह और जिनसन जॉनसन ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में भी भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में अचंत शरत कमल और मणिका बत्रा की जोड़ी सेमीफाइनल में हार गई और उसे कांस्य पदक मिला। मुक्केबाजी में 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। अमित फंगल और विकास कृष्ण अपने अपने भार वर्गो के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला हॉकी के फाइनल में भारत ने 3 बार की चैंपियन चीन को एकमात्र गोल से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पदक तालिका में भारत 11 स्वर्ण 20 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 54 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एशियाई खेलों में पुरुष ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अरपिंदर सिंह को, महिला 200 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल करने पर दुती चंद को बधाई दी है। उन्होंने मिक्स डबल टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने पर मनिका बत्रा और अचंत शरत कमल को भी बधाई दी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत देश में खेलकूद के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अन्य महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार कथित माओवादी समर्थकों की 6 सितंबर तक घर पर ही नजरबंदी के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल से काठमांडू में शुरू हो रहा 4था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।